आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में कृतज्ञ राष्ट्र उनकी जयंती हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। इस वर्ष 2022 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज मनाई जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनका कद तत्कालीन नेता गांधी नेहरू समेत अन्य नेताओं से बहुत बड़ा है और उनका योगदान सर्वोपरि है। तो चलिए जानते हैं नेताजी के जीवन के बारे में इस रिपोर्ट में। जय हिंद, जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। सुभाष चंद्र बोस के पिता पेशे से वकील थे और उनकी माता धार्मिक व घरेलू महिला थी। नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवे शॉव कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। उन्होंने 1920 में इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की शिक्षाओं से प्रभावित थे। भारत माता की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से देश के लाखों क्रांतिकारियों के दिलों की धड़कन बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेते थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रही गतिविधियों में शामिल होने के कारण एक बार उन्हें कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया गया था, लेकिन इससे भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। कॉलेज के बाद उनके माता पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। वहीं अप्रैल 1921 में उन्होंने भारत में चल रहे आंदोलनों में शामिल होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया था और फिर वो आजादी के आंदोलनों में शामिल हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। नेताजी को महात्मा गांधी ने बंगाल में एक राजनीतिज्ञ रंजन दास के अधीन काम करने की सलाह दे दी। नेताजी ने वहां एक युवा शिक्षक, पत्रकार और बंगाल कांग्रेस के स्वयं सेवकों के रूप में अपनी सेवाएं दी, लेकिन शासन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के कारण अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसके बाद 1924 में जेल से लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ गए। 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो सुभाष चंद्र बोस को एक बार फिर से हिरासत में ले लिया गया। कुछ समय बाद जब वे रिहा हुए तो अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में संदिग्ध होने के कारण उन्हें कई बार और गिरफ्तार किया गया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें फिर से रिहा किया गया। इसके बाद 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसी प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन को गर्म दल के लोगों को लेकर उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया, जिसे लेकर उन्हें एक बार फिर जेल में डाल दिया गया, लेकिन आमरण अनशन के चलते उन्हें रिहा करना पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 26 जनवरी 1941 को वह काबुल के रास्ते मॉस्को और बाद में जर्मनी पहुंच गए। यहाँ उन्होंने जनवरी 1942 में आजाद हिंद रेडियो से कई भाषाओं में नियमित प्रसारण शुरू किया। इसके कुछ समय बाद वह जापान पहुंच गए और यहाँ पर 1 सितंबर 1942 को आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद अक्टूबर 1942 में उन्होंने अंतरिम स्वतंत्र भारत सरकार के गठन की घोषणा कर दी। आजाद हिंद फौज जापानी सैनिकों के साथ रंगून के लिए रवाना हुई, वहां से भारत पहुंच गई। इसी बीच जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा के बाद सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया जा रहे थे, तभी कथित विमान दुर्घटना 18 अगस्त 1945 में उनका निधन हो गया। जय हिंद, जय हिंद।
मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारे देने वाले नेताजी की आज 125वीं जयंती है। देश कृतज्ञ है उनके योगदान का और आज उनकी जयंती मना रहा है, आज पराक्रम दिवस मना रहा है देश, और पराक्रम दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।